दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में देश भर के 22 बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। इसमें से दो बच्चे जम्मू और कश्मीर से भी शामिल हैं। गैर सरकारी संस्था भारतीय बाल कल्याण परिषद ने इन पुरस्कारों की घोषणा की थी। वीरता पुरस्कार प्राप्त किए गए 22 बच्चों में 10 लड़कियां और 12 लड़के शामिल हैं। एक बच्चे को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में इन बच्चों को मेडल और सर्टिफिकेट के साथ पुरस्कृत किया गया। आपको बता दें कि पुरस्कार विजेताओं के नामों को महिला बाल विकास कल्याण मंत्री मेनका गांधी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय चयन समिति ने अंतरिम रूप दिया है। पुरस्कार पाने वाले हर बच्चे को 1,10,000 रुपए का इनाम मिलेगा। ये बहादुर बच्चे 26 जनवरी को होने वाले परेड में शामिल होंगे।